गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे, पार्ट इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस एंड PDF मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्या रिलेशन क्या होता है ना, उस क्लास में हमने यूनिवर्सल रिलेशंस डिस्कस करे थे, एम्प्टी रिलेशंस डिस्कस करे थे जिनको हम प्राइवेट रिलेशंस कहते हैं। देन पार्ट सेकंड में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस बताए थे। आज हम उनकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ नीचे लिखी है। पहले हम उनकी एग्जांपल्स करेंगे, इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम ये एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो से ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। ए मेरे को कोई सेट दिया गया है 1, 2, 3, जिसमें थ्री एलिमेंट्स है। लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए। आर बी रिलेशन इन सेट ए मीन्स आर जो रिलेशन है वो सेट ए से ए पे है। नाउ यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए रिलेशंस के।
नहीं सकता है। नाउ आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, हम पढ़ते हैं आर एक्स में क्या क्या होते हैं,
करते हैं, ट्रांजिटिविटी को डायरेक्टली क्लियर कर देते हैं। ओके, नाउ मैं चेक करती हूँ 1, 2 और 2, 3 के लिए। आप देखो 1, 2 है 2, 3 है। दिस इज स्टूडेंट, हाउ आई विल चेक, ये 1, 2 है, ये 2, 3 है, इसको ए बी मान लू, इसको बी सी मान लू। तो ए बी बी सी क्या होना चाहिए था, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी यहाँ से कितना आएगा 1, 3। क्या 1, 3 इस रिलेशन में है, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट पे अगर चेक करूँ, डब्लेट्स को छोड़ देते हैं, इन दोनों को चेक करती हूँ, 1, 3 एंड 3, 1। सो दिस इज 1, 3 एंड 3, 1। अगर इसको ए बी मान लू, इसको बी सी मान लू, तो 1, 1 इसके अंदर है। ओके, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, एक बार मैंने अच्छे से नोट किया है इसको, आप सबको नोट कर लेना। लास्टली जो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, दैट व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? सो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है, कोई रिलेशन सेट R पे इक्विवेलेंस कहलाता है अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या कहती हूँ, कहती हूँ। ये मैं यहाँ आपको जस्ट एक बात बता के फिनिश कर रही हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एज इट इज कंटिन्यू करूंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज़।